नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जय दोस्तों। और आप सब लोग को मेरे तरफ से जोहर। और जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो, चाचा चाची भैया भाभी दादा दादी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले दोस्तों, लगातार आप लोग एक सप्ताह से एक अपडेट आप लोग का मिल रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें आपको बताया गया मुख्यमंत्री द्वारा कि प्रत्येक महीना दोस्तों आपको 1,000 रुपये आपको आपके खाते में पहुंचेगा दोस्तों। 12 महीना में 12,000 रुपये आपको पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों फॉर्म भरते टाइम बहुत लोगों को बहुत तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा। कभी आप लोगों को ऑनलाइन के लिए आपको परेशानी हो रहा, कभी ऑफलाइन में परेशानी हो रहा, मतलब बहुत लोग मतलब फॉर्म ना कर बराबर ही फॉर्म भरा रहा। और वहाँ पर आपका जो पंचायत वगैरह में है उसमें शिविर लग रहा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भी हो रहा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा आप लोग का। ये आप लोग का एक सप्ताह से लगातार आप लोग का कॉमेंट आ रहा कि भैया कुछ काम ही नहीं हो रहा, सर्वर में कुछ काम नहीं आ रहा, ऑनलाइन में अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही नहीं हो पा रहा। ये झूठ मूठ का बकवास, मतलब तरह तरह का बातें बना रहे थे। लेकिन दोस्तों उसको देखते हुए दोस्तों मुख्यमंत्री और ने एक निर्देश दिया जितने भी है। सबसे पहले दोस्तों क्या निर्देश है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसमें आपको क्या बताया गया। देखिए आप लोग, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था, क्या चीज कि बहुत लोगों का राशन कार्ड बना ही नहीं था। किसी का मम्मी का बना, पापा का बना, लेकिन बच्चा का वहां पर नाम ऐड नहीं हुआ, क्योंकि 21 साल 22 साल बहुत लोगों का हुआ नहीं था। तो बहुत लोग क्या हुआ था कि ऐड नहीं करवाया था। अब ये अचानक से अपडेट आ गया कि फिर 1 महीना में आपको 1,000 मिलेगा, तो बहुत लोग परेशान हो गया। और बहुत लोगों का 21 साल हो भी गया, तो फिर बहुत लोगों का चढ़ा नहीं था, तो दिक्कत हो रहा कि अब क्या करें क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों आप लोग का जो डेट है वो डेट भी बढ़ चुका, फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ चुका। और दोस्तों मुख्यमंत्री के तरफ से दोस्तों लगातार आप लोग का अपडेट दिया जा रहा, और आज दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आप लोग का दे दिया गया। अब जिसका पास राशन कार्ड नहीं है वो भी ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री जी बता दिए, अपना जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है वो 15 मिनट पहले आप अभी अपडेट किए हैं, उसमें आपको साफ साफ क्या क्या बताया गया, क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप ये योजना का लाभ उठा सकते हो। और ये आप लोग का पास, सब लोग के पास ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों पहले से। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था, एक बोला गया, तो आप दो अपना पास रखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। सिर्फ चार आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग का है चार ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक। दोस्तों बैंक पासबुक की एक चीज आपको बता दे रहे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बैंक पासबुक में आप लोग का अपना आप लोग का सेल्फ होना चाहिए, मतलब खुद का एक होना चाहिए, ना कि दोस्तों आप लोग का कोई ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि किसी का ज्वाइंट खाता इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पैसा जब भी आएगा तब रोक लगा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सिंपल से एक अपना एक खाता खुलवा लीजिएगा और वही नंबर को दीजिएगा, ज्वाइंट खाता मत दीजिएगा। आपको बार बार बता रहे, आपका पति या आपका भैया भाभी या किसी के साथ ज्वाइंट अगर खाता है तो वो नहीं चलेगा, इसमें आपको क्लियर कर दिया गया। और इसमें बताया गया कि राशन कार्ड की छवि, देखिए अगर आपको, देखिए जिसका राशन कार्ड में नाम है तो भी चलेगा, अगर आपका राशन कार्ड में नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया, राशन कार्ड में दोस्तों जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है उनके लिए पिता या पति का राशन कार्ड चलेगा। दोस्तों पिता या पति का अगर आपका है किसी का बना हुआ तो भी आपका काम चल जाएगा। और आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है, तो इसमें आपको बता दिया गया कि वोटर आईडी कार्ड जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले आप लोग को बताया गया कि एक राशन कार्ड होना चाहिए और वोटर कार्ड होगा तभी आपका माइंड होगा, लेकिन आप लोग का दोनों हटा दिया गया। अब परेशानी होने का कोई जरूरत नहीं, ये जो योजना है सब लोग आप लोग लाभ उठा सकते हो। अब लगभग आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जो प्रॉब्लम था वो आप लोग का राशन कार्ड का, तो फाइनली राशन कार्ड अगर आपका नहीं है तो भी आप लोग का अब चल जाएगा, आपका पिता या पति का होना चाहिए। और बहुत लोगों का ये भी कॉमेंट आया था कि भैया हम, जैसे कि मेरा बोकारो में मेरा ससुराल है और मायके आप लोग का धनबाद है, तो एक जगह पे नाम है दूसरा जगह पे वहां पर नाम नहीं चढ़ा है, तो कहीं पर भी अगर आपका राशन कार्ड में नाम है पिता, यहाँ पर साफ साफ बता दिएगा पिता का भी चलेगा और पति का भी चलेगा, दोनों का अगर कहीं पर भी है तो पर भी चलेगा। आपका जो है बोकारो जैसे धनबाद जिला अगर दूसरा जिला है ना तो भी आप लोग का काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पिता का या पति का राशन कार्ड होना चाहिए और सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मेरा पति का, किसी का पति का अगर नौकरी है सरकारी और तो भी वो डाल रहा ना, तो फिर आगे जाके फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। जितना आपको पैसा मिलेगा ना उतना आपको सूद लिया जाएगा, और अगर किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो फिर नौकरी पे भी हाथ धोना पड़ेगा। ये सब योजना का मत लाभ उठाइएगा जिसका नौकरी है।
और एक चीज आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि भैया मेरा दादी का वृद्धा पेंशन मिलता, बहुत लोगों का कमेंट आया था, मैं वही आप लोगों को बता रहा, मेरा दादी या किसी का अगर वृद्धा पेंशन मिलता तो वो लोग को ये योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सरकार इसमें साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया गया, अगर किसी को भी किसी तरह से अगर पेंशन अगर मिल रहा है या किसी प्रकार से कुछ भी मिल रहा है ना, वो लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो उसी का आप लोग का लाभ मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। आप लोग का जो योजना इस बार आया मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसमें आपको 1000 रुपया नहीं मिलेगा, बस एक ही चीज का आप लाभ उठा सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक ना। ये चीज आप लोग का हो गया, बाकी अगर आप लोग कुछ भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। अब आप लोग का देखिए फॉर्म जो है ऑफलाइन आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, ऑफलाइन भी अगर आप जमा कीजिएगा तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग का एक रिसीविंग मिलता है ना, लास्ट में एक रिसीविंग है, देख लीजिए यहाँ पर आपको फोटो लगा देते हैं। ये रिसीविंग को जब भी आप फॉर्म को जमा कर लीजिएगा ऑफलाइन पे, तो रिसीविंग को ले लीजिएगा, ठीक ना। तो ये चीजों का ध्यान दीजिएगा, बाकी आप जमा कर दीजिएगा, आपका जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर ऑनलाइन करवा, अगर आपको ऑनलाइन देखिए दोनों में से आपको कोई एक करवाना पड़ेगा, और दोनों अगर करवा देते तो फिर आपके लिए बेहतर है, लेकिन अभी सर्वर पूरा जाम चल रहा है भाई, इसलिए आपको जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इसका डेट बढ़ चुका है और अभी अभी इसका फॉर्म भराने का अभी चलेगा लंबा, समझ लीजिए। तो जोर से जोर आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, कुछ खास डॉक्यूमेंट्स अब रहा नहीं गया, आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपका है तो चलेगा, आधार कार्ड है तब पर भी चलेगा, पैन कार्ड है तब पर भी, और मतलब ये योजना का आप लाभ उठा सकते हो अगर आपका 21 साल है और 21 से 50 साल वाला जितना भी है सब लोग आप लोग उठा सकते हो, बिना शादी हुआ जितना है वो लोग भी उठा सकते हो, बस आपको 21 साल होना चाहिए और झारखंड का आप होना चाहिए, ये आपको बता दिया गया। बाकी आप किसी को कुछ भी प्रकार से अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हो। फाइनली यहाँ पर डिसीजन आ चुका कि अब आप लोग का पति का या पिता का अगर किसी का भी अगर आप लोग का एक डॉक्यूमेंट अगर होगा राशन कार्ड का, तो आप लोग लाभ उठा सकते हो, इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया, इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रूफ भी आपको दिखा दिए। और दोस्तों पेपर के माध्यम से भी दोस्तों देखिए, अभी 2-3 दिन आप लोग पहले आप लोग का देख लीजिए पेपर कटिंग आप लोग का, इसमें अब भी आप लोग का जो मुख्यमंत्री जो आप लोग का चंपे सोरेन है, वो भी उसका पत्नी भी है, वो भी बोले थे कि अगर आपको कल्पना सोरेन भी बोले थे कि अगर आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है राशन कार्ड तो भी आप लोग चल जाएगा इसके बाद। तो जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से आप लोग जाइए फॉर्म आराम से भरिए घर में और आराम से जाके आप जमा कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको वहां पर जाके लाइन लगना पड़ेगा, इतना आप लोग का हंगामा जो हो रहा था ना, अब हंगामा नहीं होगा, क्योंकि भाई देख रहे थे बहुत लोगों का, जैसे कि चंदन क्यारी बोकारो बहुत जगह दूर दूर जगह पे देख रहे थे भाई कि भाई सुबह से लेके एकदम भूखे प्यासे लाइन लगा हुआ है और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि सर्वर इतना ज्यादा जाम था। ऑफलाइन तो फॉर्म भरा जा रहा था लेकिन आप लोग का ऑनलाइन के लिए भी वहां पर लाइन लगवाना पड़ रहा था, वो सारा दिक्कत हो रहा था। तो अब ये दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप ये फॉर्म को भर सकते हो। बाकी अगर आप लोग किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा तो आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया ये मेरा दिक्कत हो रहा और क्या क्या इसका प्रोसेस क्या, मतलब कमेंट सेक्शन में आपका खुला हुआ, आप किसी प्रकार से अगर आपका दिक्कत हो रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं आपको उस चीज के बारे में बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक ना। बाकी देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। सभी लोग को मेरे तरफ से जय हिंद और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। फॉर्म को अप्लाई कीजिए और जितना भी बहन और चाचा चाची लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग अपना घर में बता दीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग जितना भी आप लोग चाचा भैया जो भी है सब लोग ये शेयर कर दीजिएगा, जो परेशान है जिसका पास राशन कार्ड नहीं है बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसको भी मालूम चलेगा कि जो मुख्यमंत्री ने अपना जो फेसबुक पेज है उसमें भी पूरा क्लियर कर दिया गया कि अब आप लोग का राशन कार्ड नहीं लगेगा, चाहे पिता हो या पति का किसी का भी एक राशन कार्ड लगेगा बस, और झारखंड का नागरिक होना चाहिए। चलिए सभी लोग को जय हिंद और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार।